चंडीगढ़ सीएम दरबार से निराश होकर लौटे सरपंचों व ग्राम सचिवों ने शुक्रवार को तो शाम व कैरू ब्लॉक कार्यालयों पर ताले जड़ दिए और किसी भी कर्मचारी को बीडीपीओ कार्यालय में घुसने नहीं दिया। इस दौरान सभी पंचों और सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और बीडीपीओ कार्यालय के मुख्य गेट व कमरों को ताले लगा दिए। सरपंच एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान रणवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले 51 सदस्यीय सरपंचों की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने उनकी 10 मांगों को खारिज करते हुए बाद में उन्हें पुलिस द्वारा धक्के मरवाए। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से खफा होकर सरपंचों ने फैसला लिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक खंड विकास कार्यालय में किसी भी कर्मचारी को घुसने नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई काम करने दिया जाएगा। मांगों को लेकर कर रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदेश का जो मुखिया है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, उसने पंचायत अपने आवास को बुला के अपने मकान से एक प्रसाद कार से निकाल दिया। सीमा से मैं तुम्हारे से बात ही नहीं करना चाहता, प्रजातंत्र में ऐसा होना नहीं की। तब आप क्या रणनीति? अब हमारी रणनीति का सही खुलासा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पत्ते पत्ते पर सी आई डी है। हम अपने संगठन को मजबूत बना करके और सरकार से लोहा लेंगे, सरकार को बताएंगे कि सरपंच क्या होता है। कभी सरपंच बन के देखा गया कैसे? बेचना हमने ज्ञापन दिया था, उसमें 9 मांगे थी और सरकार ने 1 मांग उसमें अपने आप तोड़ दी। और हमारा जो ज्ञापन था मुख्यमंत्री ने उसने उल्टे तरफ से पढ़ना शुरू किया। ज्ञापन में पहली मांग थी वो अपने पढ़ करके 10वीं मांग जोड़ी उसने और वो पढ़ के बताया। इस बात से मैं नाराज हूँ, जबकि वो उसने खुद ने कही हमारे ज्ञापन में ऐसी कोई मांग थी।